द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज 2.84। तो द करेक्ट वन इज, ठीक है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट वाला पार्ट हम लोग का 2.84 के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 के बराबर हो जाएगा। 2.84 से डायरेक्टली 2 निकाल सकते हैं, ये तरीका मालूम होता है लोगों को नॉर्मली। तो इस केस में जैसे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम लोग के पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज दे रखा, एक दे रखा है D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 वाले पार्ट में हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो सकता है, और पेयरिंग अगर होगा तो इस केस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा जबकि हम लोग को दो चाहिए, तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद D3 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन लेके चलेंगे तो इस केस में हम लोग अगर पेयरिंग नहीं कराते हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर पेयरिंग कराते हैं तो हम लोग के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद D4 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में अगर हम लोग वीक फील्ड लिगेंड लेके चलते हैं तो नॉर्मली पेयरिंग नहीं होगा, और अगर पेयरिंग नहीं होगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। और D4 वाले पार्ट में हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेके चल रहे हैं तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेके चलेंगे तो उस केस में पेयरिंग होगा, अगर एक पेयर होता है तो आराम से D2 कॉन्फ़िगरेशन खाली हो जाता है, अगर दूसरा पेयरिंग होगा तो दूसरा पेयरिंग होने का मतलब है कि हम लोगों के 3 डी ऑर्बिटल्स खाली होंगे। नॉर्मली हम लोग 3 डी ऑर्बिटल्स वाले पार्ट को कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि जैसे हाइब्रिडाइजेशन अगर आता भी है तो D2sp3 होता है, मतलब दो ही डी ऑर्बिटल चाहिए होता है हम लोगों को, तो यहाँ 3 डी ऑर्बिटल खाली कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एक पेयरिंग हुआ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आए और अपना काम आराम से हाइब्रिडाइजेशन के लिए हो गया, इसका मतलब ऑप्शन D वाला पार्ट आराम से आंसर कंसिडर कर सकते हैं।